हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पॉम्पलेट भरेल। आज बुधवार है तो इसलिए मैं आज पॉम्पलेट भरेल बना रही हूँ, इसमें भर करके। ओके, तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैंने ये पॉम्पलेट लिया है, ये दो पॉम्पलेट लिया है, लेकिन अच्छी तरह से भुज जाएगा इसलिए मैंने इसके अंदर भर दूंगी, मसाले भर दूंगी। ये देखिए, और अभी देख रही हूँ, और ये देखिए, ये मैंने बीच से इस तरह से जगह कर लिया है, बीच से जगह करके मैं इसमें मसाले भर दूंगी। ओके, तो मसाले के लिए मैंने क्या लूंगी, ये देखिए, ये पुदीना है, थोड़ा सा पुदीना था मेरे पास, वही मैं यूज़ कर रही हूँ, और धनिया पत्ता है, ये मिर्ची है, हरी मिर्ची दे रही हूँ, बस पुदीना, हरे ये हरी मिर्च, पुदीना का बहुत स्ट्रोंग है महक ना, थोड़े ही में हो जाएगा। तो अब मैं ये मछली में पहले मैं इसको पीस करके आऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। क्या ये नींबू जाएगा, और इसमें जाएगा, ये बाद में दूंगी मैं, इसको मैं पीस करके पहले आ रही हूँ। ओके, ये देखिए, अब मैं एक नींबू लूंगी, नींबू पहले, हाँ और थोड़ा सा दे दूं, बस हो गया। अब जाएगा ये गार्लिक पेस्ट, ये जिंजर पेस्ट, और ये जाएगा आपका, ये पूरा ही जाएगा हरी मिर्च और इसका पेस्ट। इसके अंदर अंदर मैं भर दूंगी। जावे देखिए अपना को ना ठीक नहीं है, इधर दीद सुरंदर है बच्चे, ये ना ये खाए ना बच्चे, खाए ना मैं बच्चे को दे, ये खाए ना, ये खावा ना, ये बिछन बिचार लेने लेके दिए, बच्चे खा भी बोले बिछन खाए ना ना स्टैंडर्ड। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी, उसके बाद देखिए मैरिनेशन हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर से आपको दिखा दूंगी। इस तरह से करके मैं अभी फ्रिज में रख दूंगी। ओके, ये देखिए लास्ट मेरा पीस है, लास्ट पीस मैं बना रही हूँ, पता नहीं आपके लिए
मेरा वीडियो चला कि नहीं चला बाद में देख रही हूँ मैं। ये इस तरह से मैं दबा दबा के जरा कर लेना है। बस ये देखिए दोस्तों मेरा इतना बच गया है, फिर भी अगले बार फिर ले लूंगी इसको। और ये मेरा मसाला खत्म है और ये मैं इस तरह से करके अभी 4 घंटे रखूंगी। शाम के समय रोटी रोटी या पराठा के संग इसको खाएंगे। जब तक मैं तलने मैं जिस समय फ्राई करूंगी उस समय आपको दिखा दूंगी। ये देख लीजिए मैंने थोड़ा सा ब्रश कर लिया है इसको। थोड़ी देर बाद आके मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए ये मेरा हो गया है बिल्कुल एकदम लाल लाल फ्राई हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करते हूँ। ये देखिए पॉम्पलेट पॉम्पलेट फ्राई है ये। पॉम्पलेट फ्राई मसालेदार है ये अंदर। ये देखिए ये सब मसाला भरा हुआ है, इसके अंदर सब मसाला है। ये देखिए मसाला भरा है।